दोस्तों, अगर आपने भिंडी का पौधा लगाया है, अगर उसमें एक ही ब्रांच चाहिए, तो आज मैं आपको बताऊंगा उसमें ज्यादा ब्रांच कैसे ली जाती है। जब आपने भिंडी का पौधा लगाया है, उससे हार्वेस्टिंग कर लिए, उसके बाद आप देखिए यहाँ से इस तरीके से कट कर दीजिए। जहां से आप कट करेंगे वहां से दो तीन ब्रांच और आएंगी, उससे क्या होगा आपके भिंडी के पौधे में ज्यादा भिंडियां लगेंगी, ज्यादा आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। ये देखिए मैंने यहाँ से कट करा था, देखिए इस तरीके से आप भी कट कर दीजिए। उससे क्या होगा आपको भिंडी का पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और उसमें जो है ब्रांचेज नई नई निकलेंगी। ये मैंने तीन भिंडी के पौधे लगाए थे और इसमें से दो तीन बार हार्वेस्टिंग करने के बाद मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया। देखिए एक पौधा ये भी है, इसमें से यहाँ से कट करा, उसके बाद इसमें एक दो तीन चार पाँच छः छः ब्रांच आ गई हैं और इसमें देखिए भिंडियाँ बन रही हैं और फूल आ रहे हैं देखिए, और इसमें ज़्यादा हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। इससे आप एक ही भिंडी के पौधे से ज़्यादा भिंडियाँ ले सकते हो। और जब भी आप इसमें प्रूनिंग करेंगे, कट करेंगे भिंडी के पौधे को, उसके बाद इस तरीके से गोबर की खाद डाल दीजिए। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट कुछ भी डालिए, उससे क्या होगा इसमें अच्छी ग्रोथ होगी और पौधा ज्यादा आपको हार्वेस्टिंग देगा। तो आप गोबर की खाद जरूर डालिए जब भी आप प्रूनिंग करते हैं।